मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे रोज के तरीके से। आज फिर मैं आप लोगों के लिए आज की डेट की जो भी यूआई की करंट अपडेट्स आई हुई हैं इसके बारे में हम बात में से जो मेन अपडेट्स हैं वो हैं इंडिया टू यूआई फ्लाइट्स। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। कोविड की क्या सिचुएशन चल रही है और जो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट है इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट देखिए, आपको साइड में नजर आ रहा होगा इसमें कि लिखा हुआ है पाकिस्तान यूएई फ्लाइट्स कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेंट नॉट रिक्वायर्ड करेंटली। नीचे आप इसके दिया गया है यूएई एम्बेसी इज इस्लामाबाद क्लेरिफाई इट्स सर्कुलर रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अटेस्टेड कोविड 19 वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। तो इसमें यह कहा गया है कि जैसे कि सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही थी तो वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो पाकिस्तानी इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें। और ये बाकायदा खलीज टाइम्स में इसका जो है लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप खलीज टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस अपडेट को स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगली जो अपडेट है वो हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। जैसे कि इंडिया से बहुत सारे लोग इस चीज़ का क्वेश्चन कर रहे थे कि 21 जुलाई काफ़ी एयरलाइंसों ने इस बारे में बात करी है कि 21 जुलाई को हम फ्लाइट ओपन करने के लिए उम्मीद, यानी कि उम्मीद जता रहे हैं कि 21 तारीख को जो हमारी फ्लाइट्स वो ओपन हो जाएंगी, लेकिन क्लेरिफिकेशन को ये नहीं कह रहा है कि हाँ हो ही जाएंगी। साथ ही साथ एयरलाइंसों का ये भी कहना है कि जब तक कोई क्लेरिफिकेशन स्टेटमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक के लिए वो लोग सिर्फ होप जता सकते हैं। तो इसको राउंड फिगर करके टोटल चीज़ यही बनती है कि अगर आपने प्री बुकिंग करा ली है, यानी प्री बुकिंग आपने पहले से अगर बुकिंग आपने करवा ली है, लेकिन जो लोग कराने वाले हैं तो वो सारी इन चीज़ों को ध्यान रखें कि 21 जुलाई कोई कन्फर्म डेट नहीं है और इससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस कह रही हैं। GCCA की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस चीज़ का नहीं किया गया कि इस डेट को फ्लाइट जो है वो हम ओपन कर ही देंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट आप अपनी ओपन कराना, फ्लाइट आप अपनी बुक कराना, क्योंकि अगर आप हो सकता है फ्लाइट बुक करा ले तो आने वाले टाइम में भी आपको प्रॉब्लम या इशू हो सकता है। और अगर आप फ्लाइट बुक करा रहे हो तो मैं डेली कहता हूँ कि टर्म्स ऑफ कंडीशंस को बखूबी देख लें, जांच लें, परख लें, उसके बाद ही आप इसकी जो है फ्लाइट बुक करवाइए। ठीक है, और अब जो हम आपको बताने वाले हैं कोविड 19 को लेके कि यूएई में कोविड 19 की क्या सिचुएशन चल रही है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा जिसमें कि अल खलीज टाइम्स ने खुद दिया है, इसमें कोरोना वायरस यूएई रिपोर्ट 1541 यानी 1541 कोविड 19 केसेस एंड 1497 रिकवरीज और इसमें 5 की यानी 5 डेथ दिया गया हुआ है। तो इसमें आपको एक चार्ट भी नजर आ रहा होगा जिसमें कि रेड कलर में आपको केसेस नजर आ रहे होंगे और ग्रीन कलर में रिकवरीज और ब्लू कलर में डेथ के केसेस नजर आ रहे होंगे आपको। और तो हम आपको अगर क्लियर कर दें तो इसमें जो केसेस की बात है तो 1541 केसेस है और 1497 केसेस रिकवरी के हैं और 5 केस जो है वो इंतकाल के हैं, यानी डेथ हुआ है इन लोगों का। और अगर टोटल की बात करें टोटल केसेस में तो 656354 केसेस हैं, उसके बाद में टोटल रिकवरी 634272 है और साथ ही साथ जो डेथ का रेशियो है वो 1885 केसेस ऐसे हैं जो लोगों का इंतकाल यानी कि देहांत तो हुआ है। और अगली जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ ये अपडेट जान के आपका वाकई में यूआई की तरफ से यूआई के लिए और रिस्पेक्ट हो जाएगी। आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा जिसमें कि दिया गया है कामगार बुरी तरह से हुआ घायल, कंपनी को देना होगा 1.8 मिलियन का मुआवजा। साथ ही साथ इसमें दिया गया कि अबू धाबी में एक कामगार बुरी तरह से घायल हो गया, उसकी शारीरिक और आर्थिक नुकसान के भरपाई के लिए 1.8 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुआवजा देने का आदेश, अबू धाबी सिविल कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया और जो वर्कर था वो एशियाई मुल्क का था और उसके सर पे जो है वो चोट लगी जिसकी वजह से उसे काफी चोट पहुंची और पीड़ित को सिविल कोर्ट की तरफ से ये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है अबू धाबी की तरफ से। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित को काफी चोट आई है। अबू धाबी सिविल कोर्ट ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पीड़ित को ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ा है। तो यार इस अपडेट को जान के यूए के लिए तो होप कि आप लोगों को भी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इतना केयर किया जाता है। वहीं अगर हम अकॉर्डिंग टू अपनी कंट्री की बात करें तो यूए में हम बाहर देश से काम करने यहाँ पे आते हैं लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग नहीं होगा, सपोज़ अगर कुछ हो भी जाता है तो गवर्नमेंट हमारे साथ है। तो ये सारी चीज़ें आज की यार अपडेट की थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।